नमस्कार फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ सूट की कटिंग। सूट की कटिंग में चार पर्त में हमने कपड़ा रख लिया है और ये गले की और मुड्ढे की नाप ले ली है। गले की नाप है 3 इंच चौड़ाई है, लंबाई है 6.5 इंच, आधा हमारा आधा इंच चला जाता है सिलाई में। और गले मुड्ढा जो है वो है हमारा 7 इंच, 7 इंच में ही गुलाई दे दी हमने। और ये जो हम नाप रहे हैं अपना कमर और सीना और पेट हमारा ये है, सीना जो है हमारा 10 है प्रॉपर, क्योंकि ये कपड़ा सिकुड़ता है तो ऐसे 9 है लेकिन हम 10 रखेंगे, आधा इंच फालतू ही रखेंगे। और यहाँ पे कमर है तो हम 9 रख रहे हैं, 9.5, तो ये हमारा आ जाएगा। और ये हमने गुलाई दे दी, कमर भी उतनी ही है 10 ही। गुलाई देने के बाद देखिए ये हम वहीं से गुलाई दे रहे हैं, इस हिसाब से आपको भी गुलाई देना है। ये देखिए बहुत अच्छी गुलाई आई है। और अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे, जितना हमें सिलाई में एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए मैं उतना मार्जिन रख लूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमने निकाल लिया है। ऐसे ही आप लोग भी कट कर सकते हैं बिना किसी की सहायता से। और जितना मैं दामन रखना है उतना मैं उतना ही रखती हूँ जितना इसमें निकलता है, और एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा नहीं करती हूँ। देखिए अब इसको हम कट करेंगे। ये देखिए पहले मुड्ढे से ही काटिएगा, गला नहीं काटिएगा। गला हम चिपकाते हैं उससे बकरम से, गले को बकरम से ही चिपकाना चाहिए। आप लोग भी बकरम से ही चिपकाइएगा गला। ये देखिए हमारी कैंची काफ़ी ज़्यादा फंस रही थी तो इसीलिए काटने में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा गिर गई थी इस वजह से जो है बेकार हो चुकी है। तो फ्रेंड आप लोग भी घर में ही कुर्ता सिल सकते हो, अपनी कुर्ती जो है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये देखिए मेरा कट के रेडी हो गया है, इसको अलग कर लेते हैं। और इसका जो गला है और इसका जो आगे का पार्ट है उसकी छटाई करेंगे। ये देखिए जितना एक तरह है आगे का छांट दिया जाता है तो हम इसकी छटाई कर दी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही मार्जिन छांटना है इससे। जब इसकी छटाई हो जाएगी तो इसको देखिए अब हम इसको तय करके रख देंगे। आगे देखिए मैं इसका गला कट कैसे करती हूँ आप लोगों को आपके ही सामने कट करेंगे इसको।
देखिए इसको गले को हम कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करने के बाद पलट देंगे, इसको कोने निकाल लेंगे, फिर उसके ऊपर भी सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर, एकदम चिपक जाएगा कपड़ा। पीछे का गला है इसको भी लगा देंगे। अभी इसकी फिटिंग है, ये सूट की फिटिंग है, फिटिंग पे हम चला रहे हैं सिलाई। ये देखिए एक तरफ सिलाई चल चुकी है। अब ये दामन जो है, दामन की सिलाई लगाएंगे, साइड में जो होती है दामन में उसमें सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ की लग चुकी है, अब ये देखिए दूसरी तरफ जो दूसरी सिलाई होती है वो लगाएंगे। यहाँ पे हम पफ वाली आस्तीन बना रहे हैं, अपने हिसाब से हम 4 प्लेट का पफ बनाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से ही काटिएगा आपको कितनी प्लेट का पफ चाहिए, और इसका फाइनल लुक लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कैसी लगी आस्तीन, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आगे आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ ट्यून ही बजेगी। पफवाली आस्तीन हम गोल कैसे चढ़ाते हैं आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए अपने हिसाब से, और इसका फाइनल लुक आपको बाद में देखने में मिलेगा लास्ट में, सबसे लास्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है।